हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आपके रसोई। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिना लहसुन और प्याज के बनने वाली एक बहुत टेस्टी सी पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी। इस रेसिपी का नाम है पनीर यखनी मसाला। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और अगर आप इसे एक बार इस तरीके से बना करके खाएँगे तो आपको बिल्कुल यकीन ही नहीं होगा कि हमने इसमें लहसुन और प्याज नहीं डाला है। ये बहुत ही ज़्यादा झटपट और बहुत ही टेस्टी बनने वाली पनीर की सब्ज़ी है। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको बनाना। और मेरे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। इस पनीर यखनी को बनाने से पहले सबसे पहले हम इसका मसाला बना करके तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया है। उसी में एक बड़ा चम्मच हम इसमें धनिया डाल देंगे। उसके बाद कुछ साबुत मसाले जैसे कि सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, तीन से चार इसमें लौंग और दालचीनी, इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच इसमें मैंने सौंफ डाल दिया है। इसको हम इसी तरीके से ड्राई रोस्ट करेंगे गैस के मीडियम फ्लेम पर। इसको हम तब तक ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक इसका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता, अच्छी तरीके से धुआं नहीं निकलने लगता है और एक मसाले की कोई भुनने की अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती, तब तक हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे मसाले भुन गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो जब ये हमारा मसाला अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको पीस करके एक पाउडर फॉर्म में बना करके हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद अब हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक तेल डाल दिया था। जब तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा उसके बाद फिर हमने पनीर को क्यूब्स में कट करके रख लिया था, वो पनीर को हम सेलो फ्राई कर लेंगे हम। तो जब तक ये हमारा पनीर सेलो फ्राई होता है तब तक इधर हमारा मसाला भी एकदम अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है, हम मसाले को भी पीस करके इधर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मिक्सर जार लेंगे, उसमें डाल करके और एकदम इसको पाउडर फॉर्म में हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा मसाला बन करके रेडी हो चुका है। उसके बाद उसी मिक्सर जार में मैंने 10 से 15 पीस इसमें काजू डाल दिया है। उसके बाद इसमें एक छोटा चम्मच इसमें मैंने खसखस डाल दिया है। उसके बाद इसमें 4 से 5 क्यूब्स इस तरीके के पनीर थे वो भी मैंने इसी में डाल दिया है और डाल करके हम इसका एक पेस्ट बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो एक बार अपने मिक्सी जार को चला लेंगे, हल्का सा दरदरा हो जाएगा। उसके बाद इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच इसमें मैंने दही डाल दिया है और इसमें हम थोड़ा सा एक पानी भी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद एकदम एक इसका क्रीमी जैसा स्मूथ सा हम इसका एक पेस्ट बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा पेस्ट बन करके इधर रेडी हो चुका है। तो जब तक हमने इधर पेस्ट बनाए, मसाले तैयार किए, तब तक हमारा पनीर भी देखिए एकदम अच्छी तरीके से सेलो फ्राई हो चुका है। इसको हम पलट देंगे और दोनों तरफ से हल्का सा इसका कलर एक तरफ से और चेंज हो जाएगा, दूसरी तरफ से भी हम सेलो फ्राई कर लेंगे। तो दोनों तरफ से जब हमारा पनीर अच्छी तरीके से सेलो फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद अब हम इसको इस पैन से निकाल करके हम बाहर अलग प्लेट में रख लेंगे। तो हम पनीर को निकालने के बाद सेम उसी पैन में ही फिर हम अब हम इसकी सब्जी बनाएंगे। तो जिसके लिए मैंने उसी पैन में ही 2 तेज़पत्ता डाल दिया है। तेज़पत्ते जो हल्के से जिसका जब कलर चेंज हो जाएगा तेज़पत्ता का, उसके बाद फिर मैंने एक शिमला मिर्च लिया था जिसको इस तरीके से क्यूब क्यूब्स में मैंने इसको कट कर दिया है। उसी शिमला मिर्च को भी हम डाल देंगे और हल्का सा हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से हम इसको भून लेंगे। इसका जो शिमला मिर्च का जो क्रंचीपन होता है हमें इसका ख़त्म नहीं करना है, इसको हल्का सा हमें इसको फ्राई करना है शिमला मिर्च को। उसके बाद फिर मैंने एक अदरक का टुकड़ा लिया था, वो टुकड़े को मैंने कद्दूकस करके वो अदरक डाल देंगे। अदरक को अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन अच्छे तरीके से निकल नहीं जाता। जब हमारा अदरक और शिमला मिर्च अच्छी तरीके से भून जाएगा उसके बाद फिर जो हमने मसाला बना करके तैयार किया था वो मसाला हम इसमें 2 बड़ा चम्मच हम इसमें डाल देंगे। अपनी गैस के फ्लेम को इस समय हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर हम मसाले को भुनेंगे। जब हमारा मसाला तेल के साथ अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो अपने गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, हल्के से अपने पैन को हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद फिर जो हमने दही और काजू का जो पेस्ट बनाया था वो पेस्ट हम इसमें पूरा एक साथ डाल देंगे, क्योंकि हम पैन में दही यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हमारा दही फटे ना, इसलिए हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। इसको हम अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। जब ये हमारे मसालों के साथ जब ये दही का पेस्ट अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा उसके बाद फिर अपने गैस के फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको अच्छी तरीके से बॉईल होने देंगे। अपने गैस के फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और जो इसका गैस का फ्लेम होगा वो एकदम आप लो रखिएगा, हाई फ्लेम बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो एकदम से गर्म टेम्परेचर होते ही साथ हमारा दही ये फट जाएगा। इसको हम ढक देंगे और ढकने के बाद अच्छी तरीके से इसको हम बॉयल आने देंगे इसमें। तो ये देखिए हमारी सब्जी एकदम अच्छी तरीके से बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद अब हम इसमें नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग,
थोड़ा सा हम इसमें केसर के धागे ऐड कर देंगे। अगर आपके पास होगा तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे ताकि जो दही की जो खटास होगी वो एकदम अच्छी तरीके से निकल जाए, इसलिए हम इसमें चीनी ऐड कर दे रहे हैं। अगर आपको चीनी नहीं भी डालना होगा तो आप चीनी को भी आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अब हम इसको ढक देंगे, इसको लो फ्लेम पर ही अब हम इसको अच्छी तरीके से बॉईल होने देंगे। अभी भी आप गैस के फ्लेम का बिल्कुल भी हाई मत करिएगा, ये पूरा प्रोसेस हमारा एकदम लो फ्लेम पर ही होगा। तो हमारी जो दही का जो पेस्ट था एकदम अच्छी तरीके से बॉईल होने लगा है, देखिए, और हल्का हल्का ये तेल छोड़ना ये स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद अब इसी स्टेज पे अब हम इसमें पनीर डाल देंगे, और पनीर डालने के बाद अच्छी तरीके से अब हम इसको मिक्स कर देंगे। जब हमारा पनीर दही के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी लेकर जिसको अपने हाथ से अच्छी तरीके से रब करके फिर हम डालेंगे, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा और सब्जी में एकदम अच्छी सी एकदम खुशबू भी आने लगेगी। इसको अब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा हम इसको एक से डेढ़ मिनट के लिए ढक देंगे ताकि पूरे सब्जी में एकदम अच्छी सी कसूरी मेथी का फ्लेवर आ सके और अच्छी तरीके से हमारा सब्जी पक करके रेडी हो जाए। इसको अच्छी तरीके से ढक करके छोड़ देंगे, और ये देखिए एक से डेढ़ मिनट के बाद इतना अच्छी तरीके से इसने तेल छोड़ा हुआ है और ये हमारी पनीर यखनी मसाला बन करके रेडी हो चुकी है। अगर आप इस तरीके से बना करके खाएंगे तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि हम इसको बिना लहसुन प्याज के भी इतना ज़्यादा टेस्टी और इतना ज़्यादा यम्मी हम सब्जी अपने घर पर बना करके खा सकते हैं। तो फिर अगर आप इस नवरात्रि में अगर आपके घर में लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं बनाया जा रहा तो फिर आप भी इस ये रेसिपी को अपने घर पे बना करके आप खा सकते हैं। बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, ये सिर्फ 10 मिनट में ये हमारा सब्जी बन करके रेडी हो जाएगा। जब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे तो जो हमने मसाला बनाया था वो इसके ऊपर से स्प्रेड कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आप इसे गर्मा गर्म रोटी पराठे के साथ या नान के साथ या लच्छा पराठा या आप जो भी खाते हैं उसके साथ आप इसको गर्मा गर्म सर्व करिए। तो फिर आप इस तरीके से आप भी अपने घर पे बिना लहसुन प्याज की ये पनीर यखनी मसाला ज़रूर एक बार बना करके ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद कैसी लगेगी आपको मेरी ये रेसिपी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा इस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।